हेलो गाइस, आई एम विशाल एंड इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, द सब्जेक्ट ट्रांसपोर्टेशन। एंड कुछ इसमें बेसिकली दो टॉपिक्स पे मैं डिस्कस करूँगा, मतलब स्टार्ट करूँगा डिवाइड करके, और फिर उन दो टॉपिक्स पे, एक तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन और दूसरी ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक। एंड ये जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक है, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड इस पर थ्योरी है। मतलब ओवरऑल ना ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक पे थ्योरीज बहुत ज़्यादा है, मतलब थ्योरीज ज़्यादा है न्यूमेरिकल के कंपेयर में। सो आई विल स्टार्ट विथ दिस टू पार्ट्स। सो फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, एंड इसमें हम पढ़ेंगे कि मतलब रोड्स के किस किस टाइप के डिज़ाइन होते हैं, जैसे स्क्यूड, स्क्रू स्क्यूड, फिर राउंड अबाउट, वो सब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो सब। और फिर इसमें एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, मैं साथ में न्यूमेरिकल्स भी बताऊँगा, और वीडियो लंबी ना हो, अगर लंबी होती है तो मैं दो पार्ट्स में बनाऊँगा इस वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले तो एक वो है कि 1943 में इंडियन INC जो थी, वो INC नहीं, नागपुर रोड कांग्रेस, NRC, दैट वाज नागपुर रोड कांग्रेस ने एक वो की थी कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन लोगों ने रोड का क्लासिफिकेशन दिया था, डिफरेंट टाइप ऑफ रोड क्लासिफिकेशन, और रोड की डेफिनेशन भी दी थी उन्होंने। सो उसमें उन्होंने बताया था कि रोड्स क्या होता है। सो रोड्स का डेफिनेशन होता है कि मतलब उन्होंने अकॉर्डिंग टू दैट नागपुर रोड कांग्रेस, अकॉर्डिंग टू दैम जो रोड्स हैं, दोज आर रोड्स आर द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और एनी हैवी मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो आई विल राइट डाउन रोड्स अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, रोड्स आर द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और हैवी मटेरियल, आई होप कि विजिबल हो रहा हूँ, हैवी मटेरियल्स From one place to another, from one place to another। अच्छा, जब one place to another की बात कर रहा हूँ ना, तो एक टॉपिक वो है, मतलब इससे नहीं है, अलग से बता रहा हूँ टर्मिनोलॉजी, वो डिज़ायर लाइन डायग्राम, डिज़ायर लाइन DIAGRAM डायग्राम। ये क्या होता है ना कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन को वो करने के लिए, कि बंदा यहाँ गया फिर यहाँ गया, यहाँ से ओरिजिन और डेस्टिनेशन सर्वे, ठीक है, जो गूगल मैप्स भी यही यूज़ करती है, डिज़ायर लैंड डायग्राम, ओरिजिन डेस्टिनेशन सर्वे। और एक लैंडस्केप में भी आता है डिज़ायर लैंड डायग्राम, कि जो कच्ची मतलब पेव्ड पाथ है और मान लो गार्डन है, तो और यहाँ पे बिल्डिंग है, तो बंदे को यहाँ से घूम ऐसे रोड पर से जाना पड़ेगा। बट अगर यहाँ से एक कच्ची सड़क बोलते हैं ना, जस्ट चल के जाने वाला, वो बना देते हैं सो दैट कि डिस्टेंस कम हो जाए एंड ईज ऑफ वॉक हो जाए, उसको बोलते हैं लैंडस्केप में, वो होता है डिज़ायर लैंड डायग्राम। और वैसे डिज़ायर लैंड डायग्राम इज़ द ओरिजिन एंड ओरिजिन डेस्टिनेशन सर्वे, याद रख लो, ओरिजिन डेस्टिनेशन से याद रख लो डिज़ायर लैंड डायग्राम। वैसे वो अदर टॉपिक है, मुझे याद आ गई इसलिए बता दिया मैंने। ओके, रोड्स का डेफिनेशन उन्होंने दे दिया था, और फिर उन लोगों ने क्लासीफाई किया था, मतलब कुछ क्लासिफिकेशंस थे उनके अकॉर्डिंग रोड्स के, वो क्लासिफिकेशंस थे, पहला तो NH नेशनल हाईवे, और उन्होंने सबको उससे भी किया था, कलर से डिनोट भी किया था कि नेशनल हाईवे का इस कलर होगा, स्टेट हाईवे ये, मतलब एक सेकंड, NH, फिर MDR ODR वो सब आ जाता है, SH स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे, देन MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ओके, फिर MDR, देन ODR मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स, फिर विलेज रोड्स, ठीक है, मतलब विलेज रोड्स तो कनेक्टिंग द स्मॉल विलेजेस इनसाइड सिटी या कहीं भी, कनेक्टिंग विलेजेस,
ओके एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और डिस्ट्रिक्ट रोड्स कि भाई मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्टिंग द डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट टू डिस्ट्रिक्ट्स डी आई एस टी आर आई सी टी एस डिस्ट्रिक्ट और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स मतलब सिटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं मतलब कनेक्टिंग अदर इम्पोर्टेंट लोकेशंस. क्या हो रहा है मुझे आज बोल नहीं पा रहा हूँ. इम्पोर्टेंट लोकेशंस इनसाइड द सिटी स्टेट हाईवे कनेक्ट स्टेट टू स्टेट इंटर स्टेट मतलब सिटी के बाहर बाहर ही होता और नेशनल हाईवेज तो कनेक्टिंग एक्चुअली नेशनल हाईवे स्टेट स्टेट को कनेक्ट करता है. कनेक्टिंग स्टेट टू स्टेट और स्टेट हाईवेज डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट. सॉरी मैंने वो बता दिया. ठीक है स्टेट हाईवे कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट और मेजर एमडीआर और ओडीआर मतलब जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस इनसाइड सिटी हाँ इनसाइड सिटी और विलेज रोड वो विलेज रोड और सबके कलर हैं कि नेशनल हाईवे अलग से लिख देता हूँ. यार इस कैमरे का फोकस भी गिर जा रहा है. ओके अब मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एनएच नेशनल हाईवे को डिनोट करते हैं येलो कलर से. अच्छा उससे पहले एक टर्मिनोलॉजी है माइल स्टोन. माइल स्टोन देखा होगा आप भी जब ट्रैवल करते हो तो किनारे पे रोड के किनारे पे इस तरह से एक बनी होती है एंड उस पर लिखा होता है कि एनएच जो भी है 24 90 किलोमीटर्स अहेड ऐसा और यहाँ पे कलर होता है सॉरी सो यहाँ पे कलर होता है येलो ब्लैक ग्रीन देखा होगा आपने. सो वही कलर डिनोट करता है कि वो स्टेट हाईवे है या ओडीआर है एमडीआर है क्या है. सो आई विल टेल दैट एंड एनएच तो नेशनल हाईवे पे देखा होगा येलो होता है. सो वो तो याद ही रख लो कि नेशनल हाईवे तो रोज ही देखते हैं हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे. देन स्टेट हाईवे को आई गेस उससे दिखाते हैं ग्रीन विलेज था नहीं स्टेट हाईवे ग्रीन. ठीक है और उसके बाद जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एमडीआर एंड ओडीआर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स दोनों को इधर ब्लू या फिर ब्लैक से दिखाते हैं देखा होगा आपने और विलेज को तो ऑरेंज से दिखाते हैं. वीआई विलेज में तो माइलस्टोन होते भी नहीं है कहीं कहीं होते हैं विलेजेस को ऑरेंज से. सो दिस वाज द कलर कोड फॉर वो अलग अलग रोड्स. ठीक है और जब रोड बता रहा हूँ तो एक टर्मिनोलॉजी और है कर्ब के ई आर बी कर्ब. कर्ब क्या होती है ना कि जैसे जैसे मान लो रोड है और रोड ऐसे रोड से ना मतलब उतरने के लिए हल्का सा यार 3D में बनाना पड़ेगा एक तो ऐसे करके डाउन सा बना देते हैं कि स्लोप करके इस तरह से ये थिन होता है ऐसे करके स्लोप होती है ना रोड के किनारे ये देखो ऐसे. सो यही कर्ब है ये तो नॉर्मल रोड ही उतरने के लिए ये कर्ब है. तो अगर रोड डिज़ाइन हुई है विथ कर्ब अगर कर्ब के साथ है तो रोड विल बी 7 मीटर और विदाउट कर्ब अगर रोड बिना कर्ब के है तो दैट विल बी 7.5 मीटर. 7.5 मीटर विदाउट कर्व सॉरी विदाउट कर्व और 7 मीटर विथ कर्व. ठीक है कर्व स्लोप स्लोप से एक और याद आया ग्रेडियंट. ग्रेडियंट ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है ये टर्मिनोलॉजी है ये सब पता होना चाहिए. ग्रेडियंट स्लोप को कहते हैं कहीं आता है क्वेश्चन भी ग्रेडियंट ऑफ रोड इज दिस तो दैट मीन्स स्लोप ऑफ रोड दे आर आस्किंग थीटा. ओके ठीक है वो सब न्यूमेरिकल के पार्ट हैं जब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस पे तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा. ठीक है और जो डबल लेन रोड होती है ओके वो तो बता ही दिया कि 7 मीटर विद कर्व और विदाउट कर्व 7.5 मीटर. ओके और ये ओरिजिन डेस्टिनेशन इसी में आता है एक्चुअली. एक तो लैंडस्केप लैंडस्केप की टॉपिक है ओरिजिन डेस्टिनेशन और एक इसमें भी आती है ट्रांसपोर्टेशन में कि ओरिजिन
एंड डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन सर्वे या सिर्फ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन कह लो, ये वो है कि ट्रैवल बिहेवियर ऑफ द पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया, ट्रैवल बिहेवियर IOUR ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया, राइट। ये हो गया। और ओके, फिर जो ट्रैफिक ट्रैफिक के जो अलग अलग कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं और कुछ सिंबल्स भी हैं, तो एक तो आपने सिंबल देखा होगा छोटे छोटे उस पर रोड के या हाईवे के किनारे पे की ऐसे और इस तरह से, एक सिंबल, एक एरो इधर जारी होती है और एक एरो इधर जारी होती है। सो इसको कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं वीविंग, WEAVING, वीविंग मतलब क्रॉसिंग ऑफ व्हीकल्स इन डायरेक्ट ट्रैफिक फ्रॉम द रैंप टू ऑफ रैंप। ओके, इस सिंबल का मतलब वो वीविंग, और वीविंग मतलब क्रॉसिंग ऑफ द व्हीकल्स इन इन डायरेक्ट ट्रैफिक, मतलब चलती हुई ट्रैफिक में, डायरेक्ट ट्रैफिक फ्रॉम ऑन रैंप टू ऑफ रैंप, ऑन रैंप टू ऑफ रैंप। सो ये हो गया कि मतलब समझ ही जाओ वैसे, जैसे रोड, ये रोड जा रही है और एक रोड इधर को निकल गया उससे, और फिर जो नॉर्मल जा रही है और ये इस साइड की है, ये उस साइड की है, तो ये जो जैसे ये व्हीकल जा रही है, अब कुछ व्हीकल्स को तो सीधी जानी होगी, इधर चली जाएगी, और जिसको इधर उतरना है तो ऑन ट्रैफिक से इधर को जा रहा है जो, सो ये वीविंग हो गया। ये देखो ये वीविंग, ओके सॉरी। उसके बाद एक और है रोड क्लासिफिकेशन, मतलब साइज की, रोड क्लासिफिकेशन साइज की, जिसमें एक तो नेशनल हाईवेज, देन MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, फिर ODR और फिर विलेज रोड्स। मैं VR लिख देता हूँ, विलेज रोड्स। यहाँ पे रोड्स मतलब क्लासिफिकेशन है, तो वैसे करके रोड्स, ठीक है, फिर वो रोलिंग एरिया, अभी समझाता हूँ एक सेकंड। ठीक है, मतलब जो रोड की विड्थ होती है ना, हर हर टाइप के रोड की, वो प्लेन एरिया के लिए अलग होती है और हिली एरिया के लिए अलग होती है। सो नेशनल हाईवे जो प्लेन एरिया के लिए होती है वो होती है 12 meters, एंड हिली के लिए 6.25 to 8.8 या 9, और MDR के लिए 9, ये क्या थी, 5, या मतलब एक्चुअली में 4.9 है, राउंड फिगर में 5 ले लो। फिर ODR के लिए 7.5 to 7, और इसके लिए फिर सेम ही है, 4.9 ही, एक दो कम हो जाता है 7, और विलेज रोड तो 7.5 और 4.0, ये तो पता ही है। सो ये एक और रोड क्लासिफिकेशन हो गई। ओके, अच्छा, अब ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, डायग्राम से क्योंकि याद रह जाती है कोई भी वो फिगर, और बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज भी आ जाएंगे इसी डायग्राम में। पहले मैं बना लेता हूँ एक्चुअली, कि तो ये जो दो पोर्शन मैंने राउंड किया सर्कल, इसको बोलते हैं, इस वाले स्लोप को शोल्डर्स, दोनों सेम ही है, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ।
SHOULDERS शोल्डर्स, और ये वाला जो पोर्शन है ये मतलब सेक्शन कटी है रोड की हम लोग की, ठीक है। इसको बोलते हैं यहाँ से लेके इस शोल्डर, शोल्डर से लेके इस शोल्डर तक, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, CREST, क्रेस्ट या फिर कैरेज वे। यहाँ पे सिर्फ गाड़ी, व्हीकल्स आर ओनली अलाउड टू मूव ऑन दिस पार्ट, क्रेस्ट या कैरेज वे, AGE, कैरेज वे या फिर वो पेव्ड, पेव्ड वे या रोड, ठीक है। सिर्फ इसी इसी पोर्शन में व्हीकल्स आर अलाउड टू मूव। शोल्डर जो होती हैं, शोल्डर होती हैं कि चल, जैसे मान लो चलते चलते गाड़ी खराब, पंचर हो गई या कुछ हो गई, ख़राब हो गई, तो साइड में रुक के आप कर सकते हो, इसलिए शोल्डर होती है वो अलग से थोड़ी सी स्पेस। सो दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन, SECTION, क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड। ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम, इसमें जो भी वो सब आएंगे टर्म। ये तो ड्रेन ही हो गई दोनों साइड के मेंटेनेंस के लिए, और जो ड्रेन से कचरा निकाल के यहाँ पे रखते हैं, तो वो रखने के लिए जो स्पेस छोड़े हैं दोनों साइड, उसको कहते हैं बर्न, BERN बर्न, या फिर यार ये BERN बर्न, और स्पॉयल, सॉयल बैग या स्पॉयल बैग था, स्पॉयल बैग ही था, स्पॉयल बैंक, सॉरी स्पॉयल बैंक, ठीक है। और ये तो साइड स्लोप, जिसको शोल्डर कहते हैं, साइड स्लोप दोनों साइड है शोल्डर पे। और दिस दिस इज़ द ड्रेन, ठीक है। ये शोल्डर, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर कैरेज वे और प्लस शोल्डर, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ एक तो ये जो होता है ना ड्रेन के बाद आगे की, दोनों साइड, ठीक है, जब खत्म हो रही है तो इसको बोलते हैं लास्ट वाले को रोड लेन बाउंड्री, ठीक है। और कैरेज वे, कैरेज वे प्लस दो शोल्डर्स, कैरेज वे प्लस टू शोल्डर्स, या लिख देता हूँ टू शोल्डर्स इज इक्वल टू, उसको कहते हैं रोड वे विड्थ, रोड वे विड्थ। मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक को तो क्रेस्ट कहते थे, शोल्डर को एक्सक्लूड कर दो, और शोल्डर्स को इंक्लूड करके यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं रोड वे विड्थ। यहाँ से यहाँ तक को, ओके, दिस पोर्शन इंक्लूडिंग क्रेस्ट प्लस टू शोल्डर्स इज आवर रोड वे विड्थ, ठीक है। और सिर्फ जो कैरेज वे या फिर क्रेस्ट या पेव्ड होती है उसमें सिर्फ व्हीकल्स आर अलाउड टू मूव, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है तो डिफरेंट थिंग, ठीक है। उसके बाद राइट ऑफ वे, या राइट ऑफ वे तो हो ही गया, नहीं राइट ऑफ वे नहीं बताया मैंने, ओके, राइट ऑफ वे या फिर रोड, रोड वे विड्थ, इसी को राइट ऑफ वे भी कहते हैं, और ये छूट गया था राइट ऑफ वे, ठीक है, ये तो नई की चीज़ है राइट ऑफ वे, ठीक है, वो हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख देते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज, फिर कैरेज वे या फिर पेवमेंट, पेव्ड पार्ट ऑफ द रोड, या फिर क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट, पिज्जा वाला क्रस्ट नहीं, ये वाला रोड वाला क्रस्ट। सो क्रस्ट इज द पोर्शन ऑफ रोड, पोर्शन ऑफ रोड वेयर व्हीकल्स आर अलाउड टू मूव, व्हीकल्स, व्हीकल्स आर अलाउड टू मूव, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू जो वो थी इंडियन रोड कांग्रेस IRC 1943 के आसपास, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस जो वो थी, विड्थ ऑफ कैरेज वे वॉज, दे हैव फिक्स द विड्थ ऑफ कैरेज वे, इस वाले पोर्शन के विड्थ को उन्होंने फिक्स किया था। अकॉर्डिंग टू IRC द विड्थ ऑफ कैरेज वे
डबल लेन सिंगल लेन दोनों के लिए इज इज नहीं वॉज फिक्स्ड एंड वो थी, यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ कि विड्थ ऑफ कैरिज वे, कैरिज वे और रोड की मतलब सिंगल लेन है कि डबल लेन है वही सब। सो लिख देता हूँ पहले यहीं पे कि सिंगल लेन, फिर डबल लेन, डबल लेन विदाउट कर्ब, KERB क्रॉस मतलब नो कर्ब, ठीक है, और फिर डबल लेन विथ कर्ब। यार कैमरा स्टेबल नहीं हो रहा है, सॉरी गाइस, कैमरा बहुत ही हिल रहा है। ओके डबल लेन कर्ब और एक तो मल्टी लेन, मल्टी लेन ठीक है, मल्टी लेन मतलब रोड है बहुत सारी, जैसे टोल वोल के पास देखते हो, और नॉर्मल भी होती है मल्टी लेन, टोल के पास बहुत सारे मल्टी लेन देखने को मिल जाते हैं। सो जो सिंगल लेन के लिए होती है वो होती है 3.75, यार थोड़ा ज़्यादा ही नीचे आ गया, आ रही है क्या हो रहा है, 3.75 meters, ठीक है, मतलब अगर सिंगल लेन है तो दैट कुड बी मिनिमम, ये मिनिमम है 3.75 meters। फिर डबल लेन विदाउट कर्व इज 7.5 meter एंड विद कर्व इज 7 meter। ओके और जो मल्टी लेन होती है उसकी, हर इच लेन की मल्टी लेन है तो इच लेन कुड बी मिनिमम 3.5 meter पर लेन। ओके 3.5 meter, 3.5 meter ऐसे करके हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे शोल्डर बताया था मैंने, शोल्डर इज द आउटर एज ऑफ क्रस्ट या फिर पेव्ड या फिर कैरिज वे, आउटर एज ऑफ क्रस्ट ऑफ द रोड और कैरिज वे या फिर पेव पोर्शन, कैरिज AGEWAY कैरिज वे, ठीक है, वो शोल्डर हो गई। और ठीक है अच्छा, ये शोल्डर दिस एक्ट एज सर्वाइवल फॉर व्हीकल, एक्ट एज अ व्हीकल मतलब गाड़ी ख़राब हो गई तो साइड में खड़े होके, आप तो ऐसा तो नहीं है ना कि हाईवे के बीच में खड़े होकर ठीक करोगे, सर्वाइवल एक्ट एज अ सर्वाइवल फॉर व्हीकल। इसमें मैं गाइस माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसलिए बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, सो सॉरी फॉर दैट। ओके एंड टू शोल्डर्स प्लस कैरिज वे इज रोड वे विड्थ, पहले भी लिख दिया था एक और बार लिख देता हूँ, टू शोल्डर प्लस वो कैरिज वे, कैरिज वे या फिर कैरिज वे क्रस्ट या पेव्ड वाला कुछ भी, दैट इज इक्वल टू रोड वे विड्थ, रोड वे विड्थ या राइट ऑफ वे, ठीक है, और बर्न या स्पॉइल बैंक की वो एक्सकावेटेड गार्बेज, EXCAVATED एक्सकावेटेड गार्बेज स्पेस, थोड़ी सी स्पेस रहती है। और इसमें एक और थी इम्पोर्टेंट जिसमें FAR सब भी आ जा रहा था, बट FAR से पहले एक और इम्पोर्टेंट था, उसको कहते हैं मीडियन, हाँ मीडियन एक और टर्मिनोलॉजी है, मीडियन इज द खाली स्पेस या ग्रीन स्पेस, मतलब जैसे एक रोड इधर को जा रही है और बीच में थोड़ी सी स्पेस है, फिर दूसरी रोड इधर मतलब उसकी अपोजिट वाली इधर जा रही है, सो दिस इज़ द वैकेंट खाली स्पेस और ग्रीन स्पेस फॉर ग्रीन बेल्ट, ठीक है। सो मीडियन या इसको एक और चीज़ कहते थे सेंट्रल, सेंट्रल रिजर्वेशन और ग्रीन एरिया इज कॉल्ड आवर मीडियन। ओके और एक वो है कि फिगर से समझाता हूँ, जैसे कि मान लो ये तो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे सर्टेन डिस्टेंस है और फिर यहाँ पे बॉर्डर टाइप की, मतलब यहाँ पे रोड ख़त्म हो रही है और रोड ख़त्म होने से पहले यहाँ पे वो है ड्रेनेज,
और फिर यहाँ पे वो सब नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल्स के चलने की जगह है। सो दिस इज डन। सो बिल्डिंग्स को एकदम से सटा के नहीं बनाते हैं, एक सर्टन वो छोड़ते हैं डिस्टेंस, ताकि ट्रैफिक मतलब नॉइज़ पोल्यूशन ना हो, और सेफ्टी के लिए भी। वो जो सेटबैक छोड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं, ये तो ये वाली तो रोड लेन बाउंड्री हो गई, रोड लेन बाउंड्री, और इस वाले को कहते थे बिल्डिंग, ओके बिल्डिंग लाइन, बिल्डिंग लाइन। और यही बिल्डिंग लाइन मतलब ये जो डिस्टेंस छोड़ते हैं, ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, एजुकेशनल बिल्डिंग्स, कॉलेजेस वॉलेजेस, उनके लिए ये डिस्टेंस बढ़ जाती है। और जो डिस्टेंस बढ़ गई इन केस ऑफ कॉलेजेस या कोई सी भी मतलब क्या कहते हैं उसको, एजुकेशनल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल नहीं, एजुकेशनल बिल्डिंग्स एंड स्पेशली हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स पे यही वाली डिस्टेंस बढ़ गई, और उसको कहते हैं कंट्रोल लाइन। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में सेटबैक भी ज़्यादा चाहिए, इसी को सेटबैक कहते हैं। सेटबैक वो होता है जो एरिया छोड़ा जाता है सेफ्टी के लिए, ठीक है। घर बनाते टाइम भी जब आप प्लान बनाते हो तो सेटबैक छोड़ते हैं हम आगे पीछे घर के, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, तो उसके बाद और ट्रैफिक इंटरसेक्शन, ओके ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो दूसरी टॉपिक बताई थी मैंने, ये वाली कहाँ गई, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक, ये पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक्स के कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। ओके सो TREFIC, ट्रैफिक इंटरसेक्शंस, बहुत टाइप के होते हैं इंटरसेक्शंस, एसक्यूड और वो सब, तो बताता हूँ। ये एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, उसमें फिर उसके अंदर और भी बहुत सारे डिवाइड हैं। एक तो ग्रेड सेपरेशन, PERATION, ग्रेड सेपरेशन, और दूसरी है ग्रेड सेपरेट, ग्रेड SEPERATE सेपरेट इंटरसेक्शंस। इसमें फिर वो सब भी आ जाता है कि मतलब ये तो उसके अंदर आ जाएगा पैसिव, मतलब तीन आते हैं ना, पैसिव पैसिव कंट्रोल, सेमी एक्टिव कंट्रोल एंड एक्टिव कंट्रोल। सो वो भी आगे देखता हूँ, पढ़ा दिखाता हूँ मतलब बताता हूँ। सो ग्रेड सेपरेशन में तो चार पांच टाइप के होते हैं। एक तो सीधा क्रॉस होता है, इसको कहते हैं सीजर, सीजर का स्पेलिंग गाइस मैं भूल गया हूँ। सो सीजर इंटरसेक्शन, दिस इज सीजर, एक तो होती है सीजर इंटरसेक्शन, फिर एक होती है क्रॉस इंटरसेक्शन, जगह भी नहीं बचा। ओके दूसरी क्रॉस इंटरसेक्शन, और वो होती है स्टैगर्ड, एक्सक्यूज स्टैगर्ड, STAGGARED, स्टैगर्ड मतलब देखा होगा कि एक रोड है इधर जा रही है, इधर जा रही है, स्टैगर्ड इंटरसेक्शन। फिर ये वाली स्क्यूड, स्क्यू या स्क्यूड स्टैगर्ड इंटरसेक्शन REDE, और लास्ट में होती है कि मल्टीपल, इधर को सब भी जा रही है, सो दिस इज मल्टीपल इंटरसेक्शन वन। ओके और ग्रेड इंटरसेक्शन तो जानते हो कि मतलब रोड्स जा रही हैं तो अलग अलग ग्रेड्स में बट गई, एक फ्लाईओवर चला गया ऊपर, एक नीचे, एक दाएं बाएं, अलग अलग ग्रेड्स में बट गई, तो उसमें ड्राइवर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता, कि ड्राइवर को लेना ही पड़ेगा अगर उसे उस उधर को जाना है तो ग्रेड ग्रेड सेपरेशन उसे ऑटोमेटिकली सेपरेट कर देगी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होती है ना, तीन टाइप की होती है, क्रॉसिंग, मर्जिंग और डाइवर्जिंग। क्रॉसिंग, मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, तीन टाइप्स की।
कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब वही हुआ कि जैसे रोड है तो एक गाड़ी को यहाँ जाना है, दूसरे को सीधा जाना है, और जो इधर से आ रही है उसको, एक को इधर जाना है एक को इधर जाना है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्शन हो सकता है, गाड़ी टकरा सकती है। तो उसी के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे राउंड अबाउट, फिर चैनलाइजेशन, वो सब, वो भी बताऊँगा अभी, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट्स एक तो वो होती है, एक सेकंड डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो सही रहेगा। जो फोर लेग्ड है ना, इस तरह की रोड, ये टू लेग्ड, थ्री लेग्ड, ठीक है, फोर लेग्ड, टू लेग्ड और थ्री लेग्ड। सो एक तो जो क्रॉसिंग होती है, मतलब क्रॉसिंग में तो साइड से ठुकते हैं, कि मतलब जैसे यहाँ से एक वो आ रही है गाड़ी यहाँ से, ठीक है, और एक को यहाँ पे जाना है और दूसरी गाड़ी यहाँ पे आ रही है उसको इस साइड जाना है, तो साइड से ठुक रही है वो समझ जाओ, मतलब इसको समझाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी समझो, ठीक है। एक सेकंड, ये टू लोड क्रॉस सेक्शन में 16, ठीक है, क्रॉसिंग, मर्जिंग, डाइवर्जिंग, ओके। अब जो फोर लेग्ड होती है, ये डायग्राम देख लिया, फोर लेग्ड, फोर लेग्ड में टोटल होती है 16, 8, 8, 32, 32 कॉन्फ्लिक्शंस आती हैं। अब 32 में से जो क्रॉसिंग होती है वो होती है 16, और मर्जिंग 8, और डाइवर्जिंग भी 8, सो टोटल 32 फोर लेग में। और थ्री लेग में टोटल 9 होती है, सब तीन तीन तीन, क्रॉसिंग, मर्जिंग, जी हाँ जी, मर्जिंग भी 3 और डाइवर्जिंग भी 3, सो ये तीनों 3, 3, 3 होती हैं। और टू लेग में नहीं होती हैं, टू लेग में 0 कॉन्फ्लिक्शंस, TIONS, 0 कॉन्फ्लिक्शंस, क्योंकि आप ही देखो ना कि यहाँ से गाड़ी आएगी और यहाँ से सिंपली जाएगी, सो कॉन्फ्लिक्शन तो हो ही नहीं रही। उसके बाद स्टैगर्ड, स्टैगर्ड में 9 होती है शायद, मतलब 9 और 9, टू टोटल 18 कॉन्फ्लिक्शंस, TIONS कॉन्फ्लिक्शंस, कि इधर इधर, सो 9 इधर, 9 इधर, ठीक है, 18, 18 कॉन्फ्लिक्शंस स्टैगर्ड। और यार पेज बहुत छोटा हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, लेवल ऑफ इंटरसेक्शंस, मतलब ये बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। एक तो सेमी एक्टिव कंट्रोल, फिर एक्टिव कंट्रोल और पैसिव कंट्रोल। जो पैसिव होती है इसमें नो कंट्रोल ऑन ड्राइवर, नो कंट्रोल ऑन ड्राइवर, ठीक है। और सेमी एक्टिव में कुछ हद तक होती है, मतलब सम या फ्यू, सम कंट्रोल ऑन ड्राइवर्स। जो रोड के किनारे पे साइन होती है ना, ट्रैफिक लाइट हो गई, नहीं ट्रैफिक सिंबल्स हो गए, ऐसे सिंबल्स, वो सब, कि ड्राइवर चाहे तो उसको इग्नोर करके भी निकल सकता है, सो कुछ कंट्रोल्स ही होती हैं। और एक्टिव कंट्रोल में ड्राइवर को मजबूरन मानना ही पड़ेगा, सो फुल्ली कंट्रोल ऑन ड्राइवर, ठीक है। एक्टिव में तो वो सब आ जाएंगी, ग्रेड सेपरेशन, कि रोड जा रही है, एक फ्लाईओवर ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, सो ग्रेड सेपरेशन इसमें आ जाएगा। और पैसिव वाले में मतलब कोई कंट्रोल नहीं है ड्राइवर पे, ठीक है, जो साइंस वाइंस लगे होते हैं वो, इसमें ट्रैफिक लाइट्स आ जाएंगे, ठीक है। और क्या था,
इसमें कुछ होते हैं वो थे, इसमें सेमी एक्टिव, सेमी एक्टिव में वो सब आ जाते हैं जो मैंने बताया था, राउंड अबाउट्स या चैनलाइजेशन। राउंड अबाउट्स तो एक सेकंड इधर पता, पहले ये देखो पैसिव कंट्रोल में नो कंट्रोल ऑन ड्राइवर, इसमें बोर्ड्स आ जाते हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं कि इधर स्लो चलाना है फास्ट चलाना है वो सब। और सेमी एक्टिव कंट्रोल में सम कंट्रोल ऑन ड्राइवर, जैसे कि इसमें राउंड अबाउट्स, जैसे रोड जा रहा है सो राउंड अबाउट उसी को कहते हैं, ये कि गाड़ी आ रही है इधर से घूम के इधर चली गई, जिसको इधर जाना है जिसको उधर जाना वो। और चैनलाइजेशन, चैनलाइजेशन जो देखा होगा छोटा सा बना होता है ऐसे ट्रायंगल टाइप का, कि एक इधर आएगा इधर जिसको इधर जाना वो, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में तो बहुत सारा है, यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली में कम है, ग्रेटर नोएडा में बहुत है। ये बेसिकली इन राउंड अबाउट्स और चैनलाइजेशन का पर्पस होता है कि ट्रैफिक जो वॉल्यूम है उसको अच्छे से डिवाइड कर देना और सर्टेन डायरेक्शन देना, जिसको जिधर जाना है एक प्रॉपर वे में जाना है, ऐसा नहीं कि मैस हो गया, मैस हटाते हैं इससे, मैस कम होती है इससे। सो उसके बाद एक्टिव कंट्रोल में, एक्टिव कंट्रोल में एक तो ट्रैफिक लाइट्स, आ जाएंगी, क्योंकि फुल्ली कंट्रोल है ड्राइवर को, ड्राइवर पे। अगर रेड हो गई ट्रैफिक लाइट तो रुकना ही पड़ेगा, ठीक है। और ग्रेड सेपरेटर्स, सेपरेट होना ही पड़ेगा, नहीं तो कहाँ जाएंगे, पुल के नीचे तो नहीं जाएंगे ना। सेपरेटर्स भी, RATOR, सेपरेटर्स, इसमें अंडर पास, ओवर पास, ट्रम्पेट, होते हैं तीन वाले, ठीक है, ट्रम्पेट। फिर इन दो इम्पोर्टेंट थी, एक क्लोवर, लीफ और हाफ क्लोवर लीफ, हाफ शेड यार, हाफ क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ, तो देखा ही होगा कि मतलब ऐसे करके देखा होगा क्लोवर लीफ। एक विंडोज़ खोलो उस पर सर्च मारो क्लोवर लीफ को, फिगर देखोगे तो याद रह जाएगा क्लोवर लीफ, ठीक है। और एक होती है बहुत ही वो होती है, अजीब सा लगेगा देख के, डायरेक्शनल, इंटरचेंज, बिल्कुल इधर जा रहा है इधर से, ओह शिट, इधर से एक को इधर जाना है, ऐसे ऐसे पूरा बिल्कुल मैस हो जाता है। डायरेक्शनल इंटरचेंज भी देख लो फिगर, ये बहुत कम होता है क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन, में बहुत ही एक्सपेंडिचर होती है, बहुत खर्चीला होता है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, ठीक है। हर एक के लिए इंडिविजुअली, लेफ्ट के लिए लेफ्ट बना होता है मतलब, ठीक है। और ओरिजिन डेस्टिनेशन सर्वे तो बता ही दिया कि एक लैंडस्केप में भी आता है, कि लैंडस्केप वाला जो ओरिजिन डेस्टिनेशन है, दैट इज़ कि बाय क्रिएटिंग अ शॉर्टकट ग्रास, ग्रासलेस पाथ, मतलब अनपेव्ड पाथ फॉर द साइकिलिस्ट्स और जो वॉकर्स, जो जिनको चल के जाना है, कि मतलब यहाँ से ऐसे कोई बंदा आ रहा है और मान लो ये रोड ऐसे घूम के गई है, यहाँ पे है, बिल्डिंग, ठीक है। अब ये और फिर यहाँ से ऐसे आया, तो जिसके पास तो गाड़ी हो तो सीधा जाएगा, और यहाँ पे ग्रीन, है बिल्कुल, फील्ड है, तो एक अनपेव्ड पाथ बना देते हैं शॉर्टकट के लिए। तो ये हुआ लैंडस्केप में, इसी को कहते हैं ओरिजिन डेस्टिनेशन, ठीक है, ओरिजिन डेस्टिनेशन डायग्राम। उसके बाद एक वो, एक फार्मूला है, ई प्लस एफ इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है। ये फार्मूला है सुपर एलिवेशन और बैंकिंग में यूज़ होता है। सुपर एलिवेशन बैंकिंग क्या होती है ना, सुपर, एलिवेशन या फिर बैंकिंग, ये होती है कि जो रोड में देखा होगा आपने हल्का सा कर्व रहता है रोड, सो दैट कि एक तो व्हीकल्स जब स्पीड में, ये जब टर्निंग हो रही होती है ना कर्व, उस टाइम पे ज़्यादा होता है ये, बैंकिंग बढ़ जाती है। और लीनियर रोड जब सीधी हो रही होती है तब कम रहती है, एक तो वाटर फ्लो के लिए भी होता है, और दूसरी कर्व में कि एक्सीडेंट ना हो, गाड़ी अच्छे से बनी रहे रोड पे, उसके लिए होती है। तो और लीनियर में तो देते ही नहीं है ना, तो ओनली जो रोटेशनल वाला रोड होता है,
उस रोड के रोटेशन वाले पोर्शन में देते हैं बैंकिंग, ओनली रोटेशन में प्रोवाइड किया जाता है सुपर एलिवेशन या फिर बैंकिंग। और ये हो गया, इस फॉर्मूला में ई जो है वो सुपर एलिवेशन है। न्यूमेरिकल्स के लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, मैं बस इसमें फार्मूला बता दे रहा हूँ क्योंकि नहीं तो मिक्सअप होगा तो कन्फ्यूजन होती है। CTI1, एफ इज़ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, दिस विल बी गिवन इन क्वेश्चन, वी इज़ द स्पीड, आर विल बी द रेडियस एंड जी तो ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, 12th क्लास में पढ़ाई था हम लोगों ने। ठीक है, एक वो होती है मतलब ओरिजिन डेस्टिनेशन सर्वे में ही वो आती है LOS, मतलब लेवल ऑफ सर्वे, लेवल ऑफ सर्वे दिस इज नथिंग बट इट टेल्स द डायरेक्शनल कंडीशन अंडर ट्रैफिक। ठीक है, लेवल ऑफ सर्वे टेल्स द ऑपरेशनल कंडीशन अंडर हाई ट्रैफिक या अंडर अंडर ट्रैफिक। ठीक है, ये हो गया। और ये होती है कि ये रोड है ना, एक सर्टन एंगल पे रोड पे एलिवेशन बैंकिंग दिया जाता है, इसको रैकिंग कहते हैं, रैकिंग RACKING, रैकिंग। ये कोई एंगल होती है थीटा, वो डिपेंड भी करता है। ठीक है, सो इसमें तो इम्पोर्टेंट इतने ही थे, ये जो बेसिक बेसिक थे और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो सब मैंने डिस्कस कर ही लिया इसमें ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, और एक बार ये जो मैंने बताया कि कॉन्फ्लिक्शंस, इसमें क्लोवर लीफ एक बार विंडो में खोल के देख लो, क्लोवर लीफ मतलब सबके एक एक बार देख लो कैसे होते हैं। क्लोवर लीफ तो इधर से और ऐसा ऐसा देखा होगा आपने, बहुत कम ही होता है वैसे ये क्लोवर लीफ, इतना कुछ है नहीं। क्लोवर लीफ ख़त्म, ये भी ख़त्म। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और छूट गई, आई विल टेल यू, वो है SSD ISD OSD, मतलब साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस में SSD ISD, SSD ISD OSD, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ठीक है, SSD इज़ वो सेफ साइड डिस्टेंस भी होती है, एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी होती है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ISD इज़ इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। OSD इज़ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और HSD इज़ हेडलाइट साइड डिस्टेंस, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ये क्या हुआ कि ड्राइवर, जैसे मान लो कि एक ट्रक आ रही है यहाँ पे और सामने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, मान लो कोई राउंड अबाउट है या कोई पत्थर है, तो ड्राइवर ड्राइवर ने देखा उसको, ठीक है, और देख के फिर अपना पैर ले गया वो ब्रेक की तरफ, और पहले देखा उसने, फिर देखने के बाद उसने उसके लेग की मूवमेंट शुरू हुई, फिर वो पैर को ले गया ब्रेक की तरफ और फिर उसने ब्रेक लगाई, फिर ब्रेक लगाई तो थोड़ी देर में जाके गाड़ी यहाँ पे रुकी। सो वो जो टाइम है ना, वो उसी टाइम को बोलते हैं साइड डिस्टेंस, मतलब वही उस डिस्टेंस को जब तक कि उसने देखा और पैर ले जाके ब्रेक लगाई, जब तक गाड़ी रुकी यहाँ पे आके, सो वो हो गई साइड डिस्टेंस। उसमें फिर डिफरेंट टाइप्स ये हैं कि SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, रुकने से पहले देख के मारा ब्रेक तो जितना टाइम लगा स्टॉपिंग। ISD इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, कि जैसे अलग अलग लेन्स में जा रही हैं गाड़ियाँ, तो एक ट्रक इसमें जा रहा है और इसको लेन चेंज करनी है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्ट कर लेगा, सामने देखेगा गाड़ी नहीं है, है उस अकॉर्डिंग करता है, तो वो हो गई इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। OSD ओवर साइड डिस्टेंस और HSD हेडलाइट साइड डिस्टेंस, हेडलाइट साइड डिस्टेंस समझ जाओ कि रात को जैसे मान लो एक बड़ी गाड़ी है ट्रक और नीचे स्मॉल है फोर व्हीलर या टू व्हीलर, तो वो ठीक है यार, HSD मुझे अच्छे से नहीं पता, छोड़ो HSD, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। बेसिकली हेडलाइट साइड डिस्टेंस ना वो होती है कि टकराने से पहले लाइट वाइट की डायरेक्शन ऊपर नीचे कर दो, चेंज हो गई वही है। और अच्छा जो अर्बन रोड्स हैं, अर्बन रोड्स
वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो आर्टरियल, आर्टरियल, सब आर्टरी, सब आर्टरियल या आर्टरी रोड, सब आर्टरी, फिर कलेक्टर, कलेक्टर रोड्स, एंड एक और है लोकल, लोकल स्ट्रीट्स। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ट्रैफिक घट रही है, मतलब मेस भी घट रहा है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम इसमें होगी, ट्रैफिक वॉल्यूम डिक्रीजिंग एज वी मूव डाउनवर्ड्स इस वाले में। ठीक है, और अच्छा एक बहुत इम्पोर्टेंट छूट गया, एक टेक्नोलॉजी है जो जो मैंने यहाँ पे बताई ना, सुपर एलिवेशन रोड की। जब आप सुपर एलिवेशन की क्रॉस सेक्शन काटते हो ना, तो जो क्रॉस सेक्शन कट के दिखता है उसको कहते हैं कैम्बर, CMB, या कैम्बर या फिर कैंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैम्बर या फिर कैंट। कैम्बर या फिर कैंट इज द स्लोप, स्लोप दैट दैट इज सीन इन, स्लोप सीन इन द क्रॉस सेक्शन, इन द क्रॉस सेक्शन। और हैवी रेन जो होती है उनके लिए 2% कैम्बर या कैंट दी जाती है। एग्जाम्पल हैवी रेन उनके लिए। ठीक है, और फिर क्रीपर लेन होती है एक, क्रीपर लेन, क्रीपर लेन वही होता है कि जैसे आपने देखा होगा ग्रेटर नोएडा में तो बहुत है, कि जो मेन रोड जा रही है और उसके बगल से एक छोटी सी और जा रही होती है छोटे गाड़ियों के लिए, और मतलब छोटे गाड़ी के स्मॉल मूवमेंट के लिए, और ये हैवी ट्रैफिक फ्लो के लिए। ठीक है, दिस इज़ द क्रीपर लेन, क्रीपर लेन। ठीक है, और ग्रेड सेपरेशन, एक वो होता है कि जब ग्रेड कंपनसेशन होता है ना, तो मतलब जैसे जैसे वो होगा कि मतलब जो ग्रेड कंपनसेशन होता है, एक सेकंड, ग्रेड कंपनसेशन, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कितना स्लोप देना है कितना स्लोप नहीं देना है। ग्रेड कंपनसेशन कब नहीं होती है, जब लेस देन 4% है। इफ द मतलब इफ द स्लोप इज लेस देन 4%, तब इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा है 4% से, तो फिर वो फॉर्मूला है कि 30+R/R%। ठीक है, आर तो वो हो गई रेडियस ऑफ जो कर्व हो रही है रोड, वहाँ की रेडियस, आर इज़ द रेडियस। और इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड व्हेन द मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन इज 75 R/R% मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन, कंपनसेशन इज 75 R%। ठीक है, वैसे ये सब मैं बता रहा हूँ बट ये न्यूमेरिकल जब सॉल्व करूँगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। सो बस ये अभी एक बार देख लूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल में फिर इजी हो जाएगा, पता रहेगा अगर ये सब। तो ठीक है, तो थ्योरी पार्ट में इतना ही है, और बाकी न्यूमेरिकल के साथ थोड़ा बहुत है, न्यूमेरिकल बताऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप कि आप लोगों ने इसका नोट्स लिया होगा एंड हेल्पफुल भी होगा जो भी मैंने बनाया है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू।